हम अभी एर्नाकुलम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के सामने खड़े हैं और अभी अभी केरला के हेल्थ मिनिस्टर बीना जॉर्ज यहाँ पे अपने अपने पेशेंट्स देखने के लिए आए थे और अभी अभी मीडिया से बात कर रही है। उन्होंने ये बताया कि 12 लोग जो है वो आईसीयू में क्रिटिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं और डेथ टोल जो है वो 3 पे अभी खड़ी है। ट्रीटमेंट के साथ साथ मेंटल हेल्थ का भी सपोर्ट देने के लिए केरला की गवर्नमेंट बहुत सारी इंतजाम कर रही है। अब कॉम्पनसेशन के बारे में अभी तक केरला की गवर्नमेंट कुछ सोचा नहीं है। जैसे हम बात कर रहे हैं उसी टाइम पे त्रिवेंद्रम में पिनराई विजयन की ऑल पार्टी मीटिंग जारी की गई है और वो भी अभी अभी चालू हुई है। अब देखना पड़ेगा कि किस तरह की इंतजाम और अरेंजमेंट्स केरला की गवर्नमेंट लेगी। और इन्वेस्टिगेशन के बारे में हम बताएंगे तो दो एंगल्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक है टेरा एंगल और दूसरी जो है वो एक शख्स जिसका नाम है डोमिनिक मार्टिन, जिन्होंने बताया कि वो इस आइडियोलॉजी जो यहोवा विटनेसेस ग्रुप की है वो उसके साथ सहमत नहीं है। अब दोनों तरह की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अब देखना पड़ेगा कि किस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे सामने आएगी। कैमरा पर्सन कुमार के साथ प्रतिभा रामन, कोच्चि में एनडीटीवी इंडिया के लिए। Yesterday we had around about 35 people getting admitted with first degree, second degree burns. Most of them had burn marks in their foot and hands. Critically injured patients we had two, and we had ventilated, unfortunately, in medical college. And unfortunately, both has succumbed to their injuries. Other critically ill patients are in other hospitals. And what we also hear is that today there was a 12-year-old girl who passed away. Can you talk a little about the kind of injuries that she came in with? She had more than 90% burns, and she was injured.